हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना. टॉपिक ऑफ द डे सेशन, आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट जॉबलेसनेस इन इंडिया. अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और कह सकते हैं जो चुनाव है वह डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का सबसे महापर्व माना जाता है. और इसी दौरान रिसेंटली एक एनजीओ ने एक सर्वे किया है, बहुत सारे लोगों को कास्ट वाइज और रिलीजन बेस्ड सर्वे किया गया है और उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट निकाला गया है और उस रिपोर्ट को उसने नाम दिया जॉबलेसनेस इन इंडिया. आज के इस सेशन में हम टू द फैक्ट बात करेंगे कि रिलीजन बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे क्या बेसिकली यहाँ पे जॉब का क्राइटेरिया है और जो मैक्सिमम लोगों का जो सर्वे किया गया है कि इस कौन सा ऐसा मैटर हो सकता है जो कहीं ना कहीं इस चुनावी प्रक्रिया को, लोकतंत्र के महापर्व को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा. तो सर्वे के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज जो दो मेजर फैक्टर हैं वो इस चुनावी जो मुद्दा है या जो बेसिकली महापर्व चल रहा है उसका अंततः रिजल्ट डिसाइड कर सकता है. सो रिसेंटली यह रिपोर्ट पेश किया गया है इन अप्रैल दिस ईयर CSDS लोक नीति. बेसिकली एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दैट ट्रैकिंग द बिहेवियर ऑफ इंडियाज वोटर्स फॉर डिकेड्स केम आउट विथ द रिजल्ट ऑफ इट्स प्री पोल सर्वे. तो बेसिकली यह एक प्री पोल सर्वे किया है जॉब्स के रिगार्डिंग कि इंडिया जो इतना डेमोग्राफिक डिविडेंड रिच कंट्री है जहां वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत अधिक है वहां पे जॉब का क्या कंडीशन है. बिफोर प्री पोल सर्वे यह किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. इट फाउंड दैट सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू फॉर वोटर्स इन 2024 इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फैक्टर्स है या इस बार के इलेक्शन में, क्योंकि इंडिया के पास कह सकते हैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफी हाई है और वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है ईयर बाय ईयर उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है. लेकिन इस वर्किंग एज पॉपुलेशन के लिए कहीं से भी कह सकते हैं जो जॉब का सीनेरियो है उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है. अगर हम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें कि क्या जॉब के कंडीशंस है, सो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे 29% ऑफ द पीपल सर्वेड अनएम्प्लॉयमेंट विल बी द बिगेस्ट फैक्टर एज दे डिसाइड देयर वोट. उनका वोट किसको जाएगा, क्या कंडीशन होगा वोटिंग का, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है. एंड द सेकेंड बिगेस्ट इशू वॉज द प्राइस राइज. As many as 23% of the people surveyed said it was the biggest factor. Price rise in the sense simply कि inflation का condition क्या है, कि day by day inflation बढ़ते जा रहा है, लोगों के पास employment नहीं है, employment बढ़ नहीं रहा है और inflation बढ़ते जा रहा है. तो दो जो major factor हैं जो कहीं ना कहीं voting mindset को decide कर रहे हैं इस लोकसभा के महापर्व में, जो चुनाव का महापर्व चल रहा है उसमें, ये दो factor हैं. कौन कौन? Unemployment and the price rise. And these two issues were found to be the most important one by 52% of the people surveyed. The overall survey जो किया गया उसमें 52% लोगों का जो मानना है कि यह जो दो factor हैं वो deciding factor है इस चुनाव के. क्योंकि सबसे अधिक, चूंकि 52% सर्वे का मतलब है कि जो वर्किंग एज क्राइटेरिया है, जो वर्किंग एज जो एज है 15 से 59 years जो हम लोग generally बोला जाता है, उसमें जो लोग हैं वो मेनली सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं तो वह अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज इन्फ्लेशन के कारण हो रहे हैं. अब हम रिलीजन वाइज डाटा क्या बात करते हैं फ्रॉम दिस सर्वे. तो रिलीजन वाइज वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करते हैं कि किस रिलीजन के, चूंकि इंडिया में मेनली हिंदूज और मुस्लिम का मेजर पॉपुलेशन है तो इस सर्वे में इन दो को ही मेनली टारगेट किया गया है. तो इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रो फ्रॉम 96.45 करोड़ इन 2016-17 टू 113.86 करोड़ इन 2023-24. एंड टोटल आउट ऑफ दिस हिंदूज मेक्स अप 86% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड मुस्लिम अकाउंट फॉर 9.54% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन. अगर रिलीजन वाइज हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो की बात करते हैं, सो इंडियाज ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो वाज लो इन 2016-17 एंड हैज फर्दर डिक्लाइन बाय 5.8% ओवर द पास्ट 8 years. ऑलरेडी ओवरऑल अगर हम सिनारियों पे बात करते हैं तो वो लो था
और लास्ट ईयर डिकेड में पास्ट 8 ईयर्स में यह 5.8% और अधिक डिक्लाइन कर गया। द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज हिंदूज ओपनली लुकिंग फॉर अ जॉब हैज फॉलन फ्रॉम 46.6% इन 2016-17 टू जस्ट 40.53% एज ऑफ मार्च 2024। कि जो अब बहुत सारे से कम लोग, चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो इस तरीके से फैल गया है कि लोग अब जॉब के लिए भी नहीं देख रहे, लोग मेनली अब स्टार्टअप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कहां से कहां फॉल कर रहा है। 46.6% जो 2016-17 में था, अब यह लगभग मार्च 2024 के अकॉर्डिंग यह 40.53% रह गया है। अगर हम रिलीजन वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, सो गिवन दैट ऑलमोस्ट 86% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज हिंदूज, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एमंग हिंदूज इन्फ्लुएंस द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। तो चूंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वर्किंग एज पॉपुलेशन का 86% वो हिंदूज का है। इट वॉज हाइएस्ट इन द कोविड ईयर 2020-21 एट 8.73%, बट ड्रॉप्ड बाई मोर देन अ परसेंटेज पॉइंट ओवर द नेक्स्ट टू ईयर्स टू 7.95% इन 2022-23 एंड रोज टू 8.07% इन 2023-24। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एमंग मुस्लिम्स की हम बात करते हैं, वॉज हाइएस्ट एमंग ऑल द कम्युनिटीज इन 2016-17 एट 8.79%। It was lowest at 5.31% in 2017-18 and hit to 9.22% in the COVID year 2021-2022. तो ये जो फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं एवं हिंदूज या मुस्लिम्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट रहा है वो कहीं ना कहीं इनके जो कह सकते हैं जो वोटिंग बिहेवियर है उनके माइंडसेट को ये डिसाइड करेगा, उनको अफेक्ट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं रिलीजन वाइज एम्प्लॉयमेंट रेट की। तो अगेन इंडियाज ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल बाय 5.6% ओवर द 8 ईयर्स, कि पास्ट 8 ईयर्स में यह 5.6% का इसमें गिरावट देखने को मिला है। इन अदर वर्ड्स प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज इंडियंस विथ अ जॉब ड्रॉप्ड फ्रॉम 42.8% इन 2016-17 टू 37.2% इन 2023-2024। आप देख सकते हैं कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है और उसका जॉब के साथ अगर आप रेशियो देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, तो 2016-17 में यह 42.8% था, वहीं पे 2023-24 में 37.2% हो गया। इतना अधिक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एमंग हिंदूज फेल द मोस्ट ऑलमोस्ट 6% टू 37.26% इन 2023-2024। इसमें भी आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिला। तो अगर इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है पास्ट 8 ईयर्स में, तो हो जो मेनली अगर हम बात करें जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो यंग एज पॉपुलेशन है, उनके माइंडसेट पे ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर साबित होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कास्ट वाइज डेटा की, कास्ट वाइज क्या डेटा रहा है। तो कास्ट वाइज वर्किंग एज पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन बिलोंग्स टू ओबीसीज एंड अनदर 23% इज अकाउंटेड फॉर एससीज। कि टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में 60% तो ओबीसी बिलोंग करते हैं, रेस्ट 23% एससी वाले हैं। तो ये जो इनका जो ए ग्रुप है वह सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो में भी आएगा, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन अधिक है इसमें। कास्ट वाइज हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो की बात करते हैं, अगेन दिस हैज फॉलन फॉर ऑल द कास्ट फ्रॉम लोअर मिडिल इनकम, जो भी कास्ट कह सकते हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या जनरल कैटेगरी में है, इन सबका वर्क लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो हम कास्ट वाइज कहेंगे। तो ओवरऑल जितने भी कास्ट है उसमें गिरावट देखने को मिला है। अपर कास्ट हिंदू हैव द लोएस्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। एक कारण यह भी है कि इनका वर्किंग एज पॉपुलेशन में रेशियो कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कास्ट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, सो अगेन द कास्ट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एमंग अपर कास्ट वाज 8.26% इन 2016-17 बट 9.83% इन 2023-24, ऑलमोस्ट टच द डबल डिजिट। खासकर यह पैंडेमिक के दौर के बाद ये लगातार बढ़ते रहा है। कास्ट वाइज एम्प्लॉयमेंट रेट की हम बात कर ले तो वर्किंग एज पॉपुलेशन हमने देखा कि सबसे अधिक ओबीसी का ही है। So the OBC and the SC, which had much higher employment rate compared with upper caste in 2016-17,
was the worst affected with their employment rate in 2023-24 lower by 6.3 percentage point for both the categories. क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है. अगर हम 2016-17 में बात करें, लगभग 8 से 8 साल पहले की बात करते हैं, तो जो अपर कास्ट है उनके मुकाबले इनका रेशियो जो था एम्प्लॉयमेंट में वो काफी अच्छा था, लेकिन डिक्लाइन भी सबसे अधिक इन्हीं में देखने को मिला है. द अपर कास्ट हिंदू हैड द लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट इन 2016-17 एंड इवन इन 2023-24 इट रिमेन्स द लोएस्ट अमंग ऑल द कास्ट कैटेगरीज. और जो अपर कास्ट हिंदूज हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम 2016-17 में भी बात करते तो काफी लो था एज कंपेयर टू ओबीसी एंड एसटी. इवन 2023-24 में जबकि इनके ओबीसी और एससी में भी डिक्लाइन देखने को मिला है 6.3% का, स्टिल अपर कास्ट जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उनमें अभी भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे लोएस्ट रहा है अमंग ऑल द ग्रुप्स. सो ये बेसिकली एक रिपोर्ट पेश किया गया था सी एस डी एस लोक नीति के द्वारा, जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और यह उस टाइम में पेश किया गया है जब कह सकते हैं कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी का सबसे महान पर्व जो है लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, जो कहीं ना कहीं वोटर्स के माइंडसेट को अफेक्ट करेगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.